हाय, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं जो रेसिपी लिखी हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी बनने वाली है और बहुत ही टेस्टी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। तो चलिए देर ना करते बढ़ते हैं अपनी किचन की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, बाजार में आम बहुत अच्छे आए। ये मैंने लिया सफेदा आम, आप कोई भी आम ले सकते हैं, मेक श्योर उसका टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आज मैं इससे केक बनाने जा रही हूँ। सूजी का केक मैंने पहले भी डाला हुआ है टूटी फ्रूटी के साथ, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। आज मैं इसमें मैंगो का फ्लेवर ऐड करने वाली हूँ। ये सूजी है, इसको मैंने बहुत अच्छे से महीन इसमें ग्राइंडर में चला दिया है 2-3 बार, तो काफी देखिए काफी स्मूथ हो गई। ये देखिए, क्योंकि हम ये सूजी और मैंगो से बनाने वाले हैं, तो हम इसको सबसे पहले पील कर लेंगे और इसको चीनी के साथ ही हम पीस लेंगे। तो चलिए पहले हम ये काम कर लेते हैं। देखिए प्यूरी मेरी बन गई है, अब चलिए दूसरा हम काम कर लेते हैं। सूजी को हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। अगर आपको ज्यादा बनाना है तो आप ज्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक कटोरी से ही केक बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये प्यूरी भी डलेगी तो इससे क्या है ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा। चीनी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि आम कितना मीठा है ये आप टेस्ट करके डाल सकते हैं, कम या ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए अच्छे से ये प्यूरी बन गई है और सूजी जो है फूलती है, तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है, जिसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होनी चाहिए। ये मैंने अभी रोक दिया है, 1.5 चम्मच करीब मैंने डाल दिया है। और थोड़ा सा हम इसमें करेंगे अभी दूध ऐड, मैं इसी में डाल रही हूँ ताकि मेरा जो मैंगो है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। थोड़ा सा मैं अभी डाल रही हूँ, सूजी फूलेगी उसके बाद मैं देखती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको आधे घंटे के लिए ढक के रखती हूँ। हाफ एन आवर हो गया, चलिए बैटर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए सूजी कितनी फूल गई है। अब थोड़ा सा इसमें दूध और डाल देंगे, मैंने इसी में डाल रखा था अभी। ये देखिए अब बिल्कुल इसकी थिकनेस बिल्कुल ठीक है, ना ज्यादा ये पतला होना चाहिए ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ये देखिए मैंने 1 गिलास दूध लिया था जिसमें से इतना बच गया है अभी। अब सबसे पहले हम टिन तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर लगा लीजिए, इसके साइज का आप कट कर लीजिएगा। और इसके को कर दूंगी मैं अच्छे से ग्रीस, इसको करती हूँ साइड में, साइड से भी आप कर दीजिए। बटर पेपर ना हो तो आप मैदा स्प्रिंकल कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्राउन केक होता है तब उसमें उसके व्हाइट जो है था वो निशान पड़ जाते हैं, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। देखिए ये लगा दिया, अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी हम टूटी फूटी, आप ग्रीन वाली भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे डालूंगी मैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर हम यूज करेंगे इसमें आज। और यहाँ पे इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, ज्यादा हमको नहीं इसको हिलाना है। और इसको मैं शिफ्ट कर लूंगी अब इसमें। टिन आप पहले रेडी कर लीजिएगा ताकि फटाफट इसमें आप ट्रांसफर कर सकें। और इसको कर देंगे हम ऐसे टैप ताकि एक्स्ट्रा जो एयर है वो इसमें से निकल जाए। अब इसमें डालूंगी मैं काजू, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, नहीं डालना तो आप ऐसे भी खा सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और मैं डालूंगी थोड़ी सी किशमिश और ये डालूंगी टूटी फ्रूटी, ताकि देखने में भी केक अच्छा सा लगे।
और यहाँ पे बर्तन को मैंने प्री हीट कर दिया है। इसमें मैंने रखी है, जाली हो तो आप जाली रख सकते हैं, बहुत गर्म है तो इसको ध्यान से निकालिएगा। और ये मैंने कटोरी उल्टी कर दी और यहाँ पे नमक डाल दिए। नमक आपको काला सा लग रहा हो क्योंकि मैं इसको यूज कर चुकी हूँ, ठंडा हो जाए तब आप इसको रख सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। और अब डाल दूंगी इसमें केक वाले अपने टिन को। अब मैं यहाँ मीडियम से थोड़ी स्लो करूंगी, अभी तक मैंने हाई पे कर रखा था। और अब इसको आप भूल जाइए 30 से 40 मिनट के लिए। और मेक श्योर कि आपका जो है थाली पूरी ढकी होनी चाहिए। अगर कहीं से लग रहा है तो आप यहाँ पे कपड़ा ध्यान से ढक सकती हैं, कपड़ा या आप आटा भी चिपका सकते हैं इस पे। अब 30 से 40 मिनट बाद मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं आप। देखने से ही लग रहा है ये अच्छे से बेक हो गया है, ये देखिए क्लीन निकल रही है सब तरफ से। अब गैस को करती हूँ मैं ऑफ और 5 मिनट के लिए इसे इसी में छोड़ देती हूँ। और ये अब हल्का सा ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद ही इसको आप डिमोल्ड करिएगा, पहले मत करिएगा। इसको साइड्स को हम अलग कर लेंगे, वैसे ऑलमोस्ट ये अलग हो चुकी है, ठंडा होने के बाद ये अपने आप अलग हो जाएगी। अब इसको हम ये देखिए कितने अच्छे से डिमोल्ड हुआ है। अभी जो बटर पेपर है इसको हम हल्के से निकाल देंगे। और ये देखिए मैं कट करके दिखाती हूँ आपको, देखिए पास से दिखाती हूँ, देखिए कितना फ्लफी बना, कितना स्पॉन्जी है, ये देखिए आ रहा है ना आपके मुंह में पानी। तो फिर देरी किस बात की, आम का सीजन है, सूजी आपके घर में होती है तो फटाफट बना लीजिए। अब मैं करती हूँ इसको डिश आउट। और देखिए ये केक खाने को रेडी है, तो फटाफट बनाइए, जल्दी से बनाइए और आप भी इंजॉय कीजिए इस तरह के इजी वाले केक को, और बहुत ही टेस्टी है ये तो। और आप हीट जो है इसकी थोड़ी सी ज्यादा या कम लग सकती है, वो डिपेंड करता है आपके बर्तन पे और आपकी किचन की हीट पे। तो इसलिए अगर 45-50 मिनट भी लगे या 30 मिनट में बने तो आप बीच में चेक कर लीजिएगा आफ्टर 25 मिनट बाद, तो आपको पता लग जाएगा आपको कितनी देरी है इसमें। और ये देखिए मैं बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, देखो अंदर तक, देखो चेरी इसके अंदर तक, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।